हेलो डोनल, हेलो अभिषेक, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू सो मच। एंड यू नो सॉन्ग के जो टीजर वगैरह देखा है हमने और जो लुक देखा है उससे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड हाउ अ फन इट वाज वर्किंग विद ईच अदर। सॉन्ग बहुत अच्छा, जैसे कि फुकरापंती वर्ड ही इतना इंटरेस्टिंग है और जो गाना है वो इतना कैची है, तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड पार्टी नंबर है जो चाहिए अभी एंडिंग ऑफ द ईयर में, क्योंकि पूरा साल कोई मस्ती नहीं हो पाई है। सो इसीलिए आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप जरूर 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 देखिए इस गाने को एंड डांस कीजिए इस गाने पर। और साथ में काम करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन ह्यूमन एंड अच्छे लोग मिलते हैं। ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, एक बॉन्ड हो जाता है। और इंडस्ट्री छोटी सी है और भी काम करते रहेंगे साथ में। अभिषेक यू टेल मी। Yeah, I think as Donald said, the song, you know, the title is very catchy. और जब गाना आप सुनते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली उस गाने को इमेजिन कर लेते हो कि हाँ यार ये गाना कुछ ऐसा बनने वाला है या इसकी वाइब कुछ ऐसी होने वाली है। तो जैसे ही वो गाना सुना था ना तो ऑटोमेटिकली यू नो आप पिक्चराइज कर रहे थे कि अच्छा इसमें डांस होगा, इसमें ये फ्लेवर होगा, इसमें पार्टी होगी, इसमें सारी यू नो हैप्पी वाइब्स होंगी, इसमें रोमांस होगा। एंड जैसे ही जो हमारे प्रोड्यूसर और जो हमारे क्रिएटिव हैं उन्होंने बताया था कि इसमें एक ड्रीम सीक्वेंस भी होगा, तो उसमें फिर मैंने बोला यार ये तो सोने पे सुहागा हो गए, तो ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसमें तो आपको मुझे लेना ही पड़ेगा। और फिर आई थिंक फिर डोनल थी उसमें, तो डेफिनेटली शी इज यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट एंड शी इज वेरी प्रिटी। तो मैं ये मौका तो हाथ से जाने नहीं दे सकता था, तो मैंने कहा यार डोनल के साथ तो काम करना ही है अभी। तो इस डोनल के साथ काम करके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड ऐसा लगा नहीं था कि डोनल इतनी फ्रेंडली और इतनी अच्छी होगी और यू नो नेचर इतना स्वीट होगा उसका। मुझे लग रहा था कि बड़ी यू नो होते हैं ना थोड़े एटीट्यूड में रहती हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़कियों का एक अलग ही एटीट्यूड होता है और वो भी अच्छा लगता है, बट उनका एटीट्यूड ही अलग होता है। तो पता लगता है कि हाँ यार यू नो लिमिटेड बात करनी है आपको, आप ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही डोनल से आप बात करते हो ऐसा लगता ही नहीं है कि यार यू नो आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हो। उसका नेचर इतना स्वीट है, इतनी हम्बल है वो, हर किसी को लेके, अपने स्टाफ को लेकर, सेट पे लोगों के साथ, अपने टीम मेट्स के साथ, मेरे साथ, आई थिंक बहुत ही स्वीट है। और I wish कि मैं इसके साथ और काम करूं और मुझे मौका मिले और काम करने का। Our dream sequence. Definitely वो तो you know benchmark है वो उस गाने में मेरे लिए, तो वो तो मैं lifetime नहीं भूल सकता वो चीज। तो वो he was blushing also, he was like yeah, all red. मैंने कहा अभिषेक you're blushing ऐसा। Donald बोलती है ना मैं वापस से blush करने लगता हूँ। वापस से blush करने लगता है। वैसे आप दोनों की ट्यूनिंग काफी इंटरेस्टिंग है, देखो बिना बताए या ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है कि दोनों ने येलो पहना हुआ है? येलो पहना है, टू बी ऑनेस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर आई थिंक। मतलब हमें दो दिन हुए हैं साथ में इंटरव्यूज देते हुए और आज थर्ड डे है, तो हमारी ट्यूनिंग इतनी मैच हो गई है कि मतलब हमने कपड़े भी सेम कलर के पहन लिए। सेम पहने, वी आर वाइबिंग गुड। क्योंकि सॉन्ग को भी काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो यू नो जब स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोरोना एंड पैंडमिक जब आप इतना एफर्ट्स लेके सेट पे जाते हो, शूट करते हो, लिटरली वो ये कहना गलत नहीं होगा जान हथेली पे रख के शूट करना, यू नो स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, एंड उसमें अगर वो अच्छा रिजल्ट निकल कर आए जो जिस प्रोडक्ट पे आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, तो इट मस्ट बी फीलिंग ग्रेट। Yeah, it is actually आप हमारी स्माइल से और हमारी एनर्जी से आप देख ही सकते हो कि हमें कितना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक टचवुड और लकीली हमें कोई भी ऐसा कमेंट नहीं मिला है या ऐसा रिस्पांस नहीं मिला है कि यार आपने कुछ गलत कर दिया है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पार्ट अच्छा नहीं है, ये बिट अच्छी नहीं है गाने की।
टोटली ओवरऑल जितना भी जो भी रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव मिला है. और जैसे आपने बोला कि जान हथेली पे रख के काम करना, तो वो होता ही है क्योंकि आप बाहर निकलते हो, तो अगर आप वापस घर पे आओगे तो अपनी फैमिली का भी आपको ध्यान रखना होता है, बाकी आपके साथी होते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है कि कहीं मेरी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो इसीलिए सबने पूरा ध्यान रखा है सेट पे, बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशंस लेके हमने काम किया है. और सबको पता था कि किसको इस मोमेंट पे एक सेकंड के लिए भी आप केयरलेस नहीं हो सकते हो, तो वो माइंड में सबके था कि केयरलेस नहीं होना है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करना है. और बाकी तो रिजल्ट आप सबके सामने ही है और व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं गाने को. तो आई एम हैप्पी कि ओवरऑल जो पूरा एक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही जा रहा है. डोनल्ड, यू टेल मी, हाउ हैप्पी आर यू विद द रिस्पॉन्स? आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से गाना निकल के आया है और सब लोग इतना तारीफ कर रहे हैं, सब लोग गाना सुनते ही बोलते हैं कि ओ वाओ ये तो बड़ा कैची है. तो ये जो वर्ड्स हैं जब आप सुनते हैं और जब वीडियो रिलीज हो गया है तो लोग इतना प्यार देते हैं, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, ग्रूव कर रहे हैं लोग. और मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं सुबह सुबह उठी तो मैं फुकरापंती गाना गा रही थी, मुझे याद हो गया ना पूरा. लाइक ओके, वो इतना कैची है. सो ऐसा आप गाने का जब पार्ट बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता है. एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग, फोटोफिट म्यूजिक, महेश जो हम लोगों को यहाँ पे इज द क्रिएटिव, द डायरेक्टर एंड द कोरियोग्राफर अलीशा, एंड द डीओपी तनवीर जी, ये सब लोग जो है वो एक साथ मिलकर के जब एक साथ एक अच्छी इंटेंशन से जब हम लोग शूट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है, आउटकम है, वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है. तो वो दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, thank you. Thanks a lot, Donal and Abhishek, and all the best for your future projects. And stay happy, stay safe. Thanks, bye. Thank you.